अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहदीनगर जीर्णोद्धार के लिए बाढ़ हो, लोगों की मांग है 10 बेड का हो अस्पताल और MBBS डॉक्टर हो नियो। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहंती नगर की स्थिति काफी जर्जर है। वहां के लोगों का कहना है कि यहां दक्षिणी क्षेत्र में काफी संख्या में लोग रहते हैं। यह अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विधायक कोष से बना हुआ है, लेकिन इसकी स्थिति इतनी जर्जर है कि ना तो दवाइयां यहां मिल पाती हैं ना ही डॉक्टर। वहीं ग्रामीणों की मांग है कि कम से कम 10 बेड का यह अस्पताल बने और यहां के BDS डॉक्टर नियुक्त किए जाएं। इससे यहां के लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वहां के लोगों ने यह भी कहा कि हम लोगों को किसी की तरह की परेशानी होती है तो मायागंज जाना पड़ता है। यहां पर अवस्था होने से हम लोगों को मायागंज अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। आपको दिखाना है हैं कि यहाँ MBBS डॉक्टर 24 घंटे का हो और 10 बेड कम से कम बने, ताकि यहाँ के गरीब गुरुओं को, यहाँ की जनता को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। मैं TV चैनल वाले को, TV 18 को और TV अंग प्रदेश वाले को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपको इसकी याद आई और आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। विद्यानंद झा, परेशानी बहुत है यहाँ लेडीज को, तो ऐसे परेशानी है जो कि डिलीवरी पेशेंट के लिए मायागंज जाना पड़ता है और हर चीज में है ना। डॉक्टर पहले ये आजीवन है, 200 बरस का हॉस्पिटल है ये, आज तक जो है सो इस पर अश्विनी चौबे को आश्वासन नहीं दिया। क्या चाहते हैं आप सब? हम लोग चाहते हैं कि डिलीवरी पेशेंट कम से कम 10 सीट हो, रात को डॉक्टर हो इमरजेंसी के लिए, घंटा हॉस्पिटल दक्षिण और डॉक्टर रहे, डॉक्टर रहे। दक्षिण क्षेत्र में एक ही हॉस्पिटल है, पौराणिक है, 100-200 बरस से जमींदार का दिया हुआ है। बहुत बड़ा क्षेत्र है ये, बहुत बड़ा क्षेत्र है। हाँ, तो हम लोग का कहना है, जनता लोग बहुत दखबे लिखे और सोनी चौबे को आश्वासन नहीं दिए, जबकि स्वास्थ्य मंत्री थे है ना, लेकिन आज तक कोई आश्वासन नहीं दिए। अध्यक्ष महोदय सुप्रिटेंडेंट से भी कई बार मिले, कोई तरह के हो कब होगा करना मुश्किल है। जयप्रकाश ठाकुर मेरा नाम है, मिस एरिया के प्रतिनिधि हैं। क्या परेशानी है इसका वर्णन हम लोग नहीं कर सकते। दक्षिणी क्षेत्र बहुत बड़ा एरिया है और यहाँ 24 आवर्स यानी 24 घंटा हॉस्पिटल का मांग करते हैं, हम 10 बेड का मांग करते हैं। लेडीज लोग को डिलीवरी कराने में परेशानी, दवाई इलाज का परेशानी है, डॉक्टर बैठता नहीं है, हम लोग को मायागंज जाना पड़ता है। ये नाम का हॉस्पिटल है, काफ़ी जगह है इस हॉस्पिटल में, अगर यहाँ बनाया जाए तो खूब अच्छा हॉस्पिटल बन सकता है। हमारे बालेश्वर प्रसाद साहब पीछे सब काम होता है, जगदीशपुर गाड़ी क्यों करेगी जबकि यहाँ सबसे पुराना 200 बरस का जगदीशपुर से होना चाहिए जगदीशपुर क्यों गाड़ी होता है जबकि यहाँ पुराना।